नबीलाफसमाम ने इस हदीस के अंदर सूद खोरी सूद लेना देना और सूद खाना खिलाना इसकी बड़ी मजम्मत बयान की है और बदतरीन चीज़ है आज उम्मत इसके अंदर बहुत मुबतला हो गई लेकिन सिर्फ इस हदीस को आप सुने और देखें कि सूद कितनी घिनावनी चीज़ है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और दोस्तों ईमान का यही तकादा है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से हमको मना कर दिया जिस चीज़ से रोक दिया जो हराम करार दे दिया नबी ने जिस चीज़ पर लानत भेज दी और हमें मना किया ऐसी चीज़ों के करने में हमेशा हमारा खसारा और नुकसान ही है कभी उसके अंदर फायदा नहीं है सूद जैसी चीज़ के बारे में अल्लाह ने फरमाया फन बेहर बिमिन व रसूल अगर कोई इंसान सूद लेने से बात नहीं आता तो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए वो तैयार हो जाए अब हदीस जरा सुनें और गैरों का पहुँचाएं अपने अंदर अमल पैदा करें बार बार इस हदीस को याद रखें अल्लाह के रसूल ने नमाय अरबा इस्नानी वबून बाबन लोगों सूद के बहत्तर यानी सेवेंटी टू दर्जे एक दो दर्जा नहीं अरबा इस्नाने व सब ऊना बाबन सूद के सेवेंटी टू दर्जात हैं यानी कोई छोटा कोई बड़ा कोई उससे बड़ा कोई सबसे बड़ा कोई सबसे छोटा अरेबा इस व सब ऊना बाबन मेरे उम्मत के लोगों सूद के बारे में याद रखना सूद के बहत्तर दर्जे हैं अदनाहा और सूद का सबसे अदना दर्जा सबसे छोटा दर्जा वो कितना बुरा है यही चीज हम आप अदरा खैर ख्वाही करते हुए आपके सामने हम रख रहे हैं कि आपने निशात रमाया बहत्तर दर्जों में से सबसे अदना दर्जे का सबसे कम और सबसे छोटा दर्जे का गुनाह और इतना घिनावना अमल है कि कोई मुसलमान इंसान अपनी मां के साथ हरामकारी करे जितना बदतरीन दुनिया का कोई बुरा से बुरा इंसान काफिर गैर मुस्लिम मुशरिक डाकू चोर शराबी कबाबी कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने माँ के साथ गलत काम करना चाहे हर इंसान मां का एहतराम रहमतुल्ल आलमीन के बारे में जरा सोचे मा इल्ला माँ आलमीन का नबी हमने आपको रहमतुल्ल आलमीन बना के भेजा रहमत बनकर के आए आपका पैगाम आपकी हर सुन्नत आपकी हर बात भी उम्मत के लिए रहमत है बरकत है खैर है नजात और फलाह की गारंटी देने वाली है प्यारे नबी हमको सूद से मना करने के लिए कितनी प्यारी तस्वीर और कितना घिना किरदार आप बता रहे हैं कि कम से कम आदमी अपनी आखरत बचाने के लिए इस बुराई से वास्तव आए आप फरमाते हैं सबसे अदना दर्जे का सूद लेना खाना खिलाना पीना पिलाना बहत्तर दर्जों में से सबसे अदना दर्जे का छोटा दर्जा कितना है के जो लो की आदमी अपनी माँ के साथ हरामकारी करे तशबीर को समझें दुनिया में कौन सा इंसान ऐसा है जो अपनी माँ के साथ ऐसी गलत हरकत करे और कौन माँ है जो अपनी बेटे के साथ ये अमल बर्दाश्त कर सके माँ दुनिया की कोई बच्चा ये हरकत कभी करने के लिए तैयार नहीं लेकिन इसके खिलाफ सूद एक ऐसा बदतरीन गुनाह जिसको अल्लाह के रसूल ने इतना बुरा बताया लेना देना कोई उसको नहीं समझता दोस्तों इस्लामी या इन को सुनने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये बहुत पुरानी बातें हो गई याद रखो पुरानी बातें नहीं कुरान कियामत तक के लिए है आज नबी सराब साहब का फरमान सामने आया कि लोग सूद खाएंगे लेकिन नाम बदल करके खाएंगे इंसान के आमद के करीब हराम चीजों को भी अपने लिए हलाल बनाने लगेगा ये सारी चीजें ने मना की हैं इसलिए हम तमाम हजरात से अपील करते हैं इस हदीस को जरा अच्छी तरह से याद रखें कि नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा सूद नहीं अदना दर्जे की सूद लेने को भी नबी अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही बदतरीन गुनाह करार दिया और फरमाया कि कोई इंसान अदना दर्जे का सूद लेता है तो उसने जो गुनाह किया अपनी माँ के साथ हराम काम करने से भी बड़ा गुनाह या कम से कम उतना बड़ा गुनाह कर डाला अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गिना आमाल से बचाए अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफीक दे और इस किस्म की हदीसें सुने और उनको रहमत समझ करके कबूल करें गहरों को बताएं, गैरों को पहुंचाएं अल्लाह तला ने हलाल के अंदर खैर और बरकत रखी है अल्लाह हम सबको मल के तो फिक्र से फरमाए असल वरम्ह वरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें